मस्कुलर, स्ट्रॉन्गर और लीन दिखने के अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करना आपके हार्ट, बोन्स, मूड, स्किल्स और मेमोरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक बहुत जरूरी मेल सेक्स हार्मोन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन का हमारे फैट लॉस और मसल बिल्डिंग में क्या रोल है, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बनता कैसे है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन वहां से स्टार्ट होती है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम गोनेडोट्रोपिन है। गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करता है जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, और इन दोनों हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन बनता है। इन दोनों हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। फॉर एग्जांपल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स के टेस्टिस में एक चीज को एक्टिवेट करता है जिसे स्टेरियोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, और इसका काम है आपके कोलेस्ट्रॉल को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इस स्टडी में यह बताया गया है कि जो डाइट्स कोलेस्ट्रॉल में लो होती हैं तो उससे मेल्स के टेस्टोस्टेरोन काफी ड्रॉप हो जाते हैं। इसलिए कोई भी डाइट स्टार्ट करते हुए आपने इस बात का मेक श्योर करना है कि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल फूड्स भी ऐड हो, लाइक बटर, देसी घी एंड एग योक्स एक्सेट्रा। एक हेल्दी मेल के टेस्टिस डेली 4-9 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, और जब हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स पूरे हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट ही नहीं करता कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट करे, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं होती कि वो मजीद टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स की प्रोडक्शन करें। इसी तरह जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन लो हो जाए तो बॉडी ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है ताकि स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो। बट अगर किसी भी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन बनाने का ये प्रोसेस काम ना करे तो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत लो हो जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी पुअर डाइट और पुअर हेल्थ है। हमारे टेस्टोस्टेरोन का कुछ हिस्सा डेली एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, बट ये मेल्स में भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है। एस्ट्रोजन मेल्स के स्पर्म्स, इरेक्टाइल फंक्शन और लिबिडो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एस्ट्रोजन मेल्स की बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। जो बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स यूज करते हैं उनमें यह मसला ज्यादा आता है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं, तो उसमें से भी जाहिर है कुछ हिस्सा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना है, जिससे उनको गाइनोकेमेस्ट्रिया हो जाता है, जिसे हम मैन बूब्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो लोग ओवरवेट हैं तो फैट ज्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करती है और उनके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन का 10% डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में भी कन्वर्ट होता है, जिसे हम DHT भी कहते हैं। DHT का इंपैक्ट हमारी बियर्ड ग्रोथ, बॉडी हेयर, एडम्स एप्पल साइज और मेल्स की वॉइस के साथ है, यानी मर्दों की आवाज औरतों से डिफरेंट इसी DHT हार्मोन की वजह से है। बट कुछ मर्दों में DHT की प्रोडक्शन नॉर्मल से कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो सकता है। मसल ग्रोथ और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जितना आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा उतनी आपकी बॉडी लीन होगी, मसल ग्रोथ अच्छी होगी और फैट नहीं आएगा। इस स्टडी में यह बताया गया है कि अगर किसी बंदे को हर हफ्ते 600 mg टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया जाए और वो वेट ट्रेनिंग भी ना करे तो इससे उसके मसल्स का वेट 7 pounds इंक्रीज होगा। और अगर कोई बंदा जस्ट वेट ट्रेनिंग करता है और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट नहीं करता तो उसके मसल्स का वेट जस्ट 4 pounds इंक्रीज होगा। और अगर कोई बंदा वेट ट्रेनिंग भी करता है और टेस्टोस्टेरोन भी इंजेक्ट करता है तो वो 13 pounds मसल्स का वेट इंक्रीज करेगा। इससे पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन मसल्स ग्रो करने में कितना पावरफुल है। मसल ग्रोथ के अलावा टेस्टोस्टेरोन आपके वेट लॉस करने में और फैट लॉस में बहुत इफेक्टिव है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने की मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजेक्ट करना शुरू कर दें। बताने का मकसद ये था कि अगर आप बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन करते हैं तो इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप अपनी डाइट में गुड कोलेस्ट्रॉल फूड्स डेली ऐड करें तो इससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स मेंटेन रहेंगे। इस स्टडी से हमें यह पता चलता है कि लो टेस्टोस्टेरोन से बॉडी में फैट आता है जबकि हाई टेस्टोस्टेरोन से आप लीन रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारे रेड ब्लड सेल्स को भी इंक्रीज करता है। रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लंग से ऑक्सीजन को लेकर बाकी बॉडी को डिलीवर करते हैं, और ये बहुत सी स्टडीज में देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है। बॉडी बिल्डर्स को खास तौर पे पता होता है कि टेस्टोस्टेरोन के बॉडी पे क्या इंपैक्ट आते हैं, क्योंकि फिजिक एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जो कि नेचुरल डाइट से अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं ताकि उनके मसल्स की ग्रोथ जल्दी हो और ज्यादा हो। मैं आपको थोड़ा यहां गाइड करता चलूं कि जो लोग टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं, लाइक जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उनके मसल्स एक्सरसाइज के बाद 12 घंटे में रिकवर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिन में 2 बार वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं जबकि नेचुरली बॉडी को 24 आवर्स चाहिए होते हैं रिकवर करने में। तो जो लोग नेचुरल डाइट पे होते हैं तो वो दिन में एक ही बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो दिन में 2 बार एक्सरसाइज करेंगे तो इससे उनको मसल फटीक हो जाएगी क्योंकि उनकी बॉडी रिकवरी नहीं हुई होती, क्योंकि दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी का रिकवर होना बहुत जरूरी है। सेकंडली, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने से क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो बॉडी 24 घंटे मसल बना रही होती है, जिससे ऑफकोर्स आपकी फिजिक बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है और आपके मसल्स भी जल्दी ग्रो करते हैं। जबकि जो बंदा नेचुरली सब कर रहा है तो उसकी बॉडी मसल तब बनाएगी जब वो एक्सरसाइज करेगा या फिर जिस टाइम वो प्रोटीन मील लेगा। तो जाहिर है आप हर वक्त ना एक्सरसाइज कर सकते हैं और ना ही हर वक्त प्रोटीन मील ले सकते हैं। लाइक मैक्सिमम आप
दिन में 3 या 4 दफा ही खा सकते हैं। इसलिए नेचुरली आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है फिजिक को एनहेंस करने में, बट जब आप टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं तो उससे आपकी बॉडी की नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन रुक जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन काफी क्वांटिटी में आ रहा होता है, जिससे हो सकता है कि आपकी बॉडी दोबारा टेस्टोस्टेरोन न बनाए और इससे आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। स्टेरॉइड्स के यूज से आपकी एजिंग का प्रोसेस भी तेज हो जाता है और आपके बाल भी जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। एक और कॉमन साइड इफेक्ट जो टेस्टोस्टेरोन को स्टेरॉइड की फॉर्म में इंजेक्ट करने से आता है वो गायनेकोमेस्ट्रिया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसे मैन बूब्स भी कहते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का कुछ पोर्शन एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है, तो इससे मेन के ब्रेस्ट टिश्यू का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, बट अगर ये बॉडी में ज्यादा हो जाए तो इससे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बॉडी में ज्यादा तब होते हैं जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट रखें, होल फूड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लें, प्रोटीन रिच फूड्स को डेली अपनी डाइट में ऐड करें, लाइक चिकन, फिश, एग वाइट्स वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डेली करें ताकि आपका वेट कंट्रोल में रहे, क्योंकि एक्सरसाइज और डाइट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और जस्ट डाइट कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डाइट आप खुद ब खुद करते हैं। इस तरह एक अच्छी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन रख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।